BJP Bihar leader and the Safran Party candidate from Nawada, Giriraj Singh, who has kicked up a major controversy following his remarks on Narendra Modi's critics, have started receiving flags from political parties and leaders from all quarters. Speaking to NNIS, JDU leader KC Tyagi demanded a stringent action against Singh over his contentious comment from the election commission. Tyagi, in a close conversation with NNIS, revealed that he has already registered a complaint against Giriraj Singh. The Janata United leader demanded stringent action against चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है समाज में विभाजन करने मतदाताओं को हेट स्पीच करने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में इनके विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए और इसी प्रकार का एक वक्तव्य श्री गडकरी जी ने दिया है कि बिहार की जो राजनीति है उसके डीएनए में जाति है जैसे आरएसएस की डीएनए में नफ़रत और सांप्रदायिकता है तो हमने चाहा कि दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए त्यागो अपील चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन वीएस एस टू एक्ट स्ट्रिक्टीचेस फ्रॉम द सोसाइटी देखिए इमरान मसूद से लेकर आजम खान से लेकर के अमित शाह से लेकर के गिरिराज सिंह से लेकर के चुनाव आयोग को सख्ती से पेश आना चाहिए मुझे श्री लिंगडो और सेशन की याद आती है जब उन्होंने दर्जनों नेताओं के चुनाव क्षेत्र में जाकर के चुनाव ही निलंबित कर दिए थे तो श्री संपत साहब से मेरा निवेदन है कि कुछ सख्त सिग्नल उनको देने चाहिए ताकि एक तो हेट स्पीच से समाज के विभिन्न वर्गों में नफ़रत पैदा ना हो चुनाव आयोग की मर्यादा बनी रहे और आगे से किसी को इस तरह की गलत चीज़ें प्रचारित और प्रसारित करने का अवसर ना मिले जे लीडर यू क्वेश्चन द क्वेश्चन पार्टी ओवर दू एंडशन हैज इनिशियेट अगेंस्ट दो ये इनकी सोची साझी रणनीति का हिस्सा है कि कुछ लोगों के जरिए बयान दिलाकर के उत्तेजना फैलाएंगे पब्लिक डोमेन में वो इश्यूज चले जाएंगे उसके बाद कोई एक सज्जन कहेंगे नहीं इससे पार्टी का कोई वास्ता नहीं है तो पार्टी विरोधी वक्तव्य देने के आरोप में बीजेपी किसी खिलाफ़ कार्रवाई करे ऐसे वक्तव्य जिससे समाज के दो वर्गों में असहिष्णुता फैलती हो जिससे गलत सिग्नल जाते हो राष्ट्रीय एकता के बारे में उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए दिस रिपोर्ट पोस्टमार्टिव बाई एन एन आई एस